हाँ देखिए गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपके साथ हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट का हिंदी सारणिक होता है और ये 12th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो 6 मार्च 12th में पूछता है। इस डिटरमिनेंट होने के सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार बनता है, टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी वास्तविक और सम्मिश्र, और ए फंक्शन इज नोन एज डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग सारणिक बोलते हैं। डिटरमिनेंट में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, जिसका सहमूल इस प्रकार होता है। हम लोग सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट देखेंगे, जिसमें यहाँ पर हमको जरूरत पड़ा है रो और कॉलम का, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में हम लोग देखेंगे इसमें दो रो और दो कॉलम होता है। रो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो, इट इज डिनोटेड बाय आर। हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार होता है, कॉलम वर्टिकल लाइन